जिन पेंटिंग्स को आप देख रहे हैं, शायद उन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी बेहतरीन कलाकार द्वारा बनाई गई हैं। कोई ऐसा कलाकार जिसने पेंटिंग में महारत हासिल कर रखी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पेंटिंग्स किसी बड़े कलाकार ने नहीं बल्कि जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो के बच्चों ने बनाई है। इन बच्चों में पेंटिंग का शौक तो था, लेकिन अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर उन्हें ये मौका दिया पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ने। इस योजना में मंडी जिला के पंडो स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय को शामिल किया गया और उसी के तहत यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि पीएम श्री का उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनकी प्रतिभा को निखारने पर विशेष ध्यान देना है। जीएनवी के छात्र युवराज, अमृता और सरबजीत सिंह ने बताया कि उन्हें बचपन से पेंटिंग का शौक था और अपने सीमित संसाधनों से वह पेंटिंग भी करते रहे, लेकिन पीएम श्री योजना के तहत उन्हें अपनी इस प्रतिभा को पूरी तरह से निखारने का मौका मिला। अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षण मिला और अच्छी गुणवत्ता का सम्मान भी प्राप्त हुआ। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पहले जो हम थे, पहले मैं नॉर्मल पेंटिंग करता था या स्केचिंग करता था अपनी ड्राइंग फाइल पे, बट जब से ये पीएम श्री का जो इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है, इस सर जो हमारे स्कूल्स में हम एक सीनियर आर्टिस्ट मिल पा रहे हैं जो हमारे टैलेंट को अच्छे से अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसे हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। वो अपने अपने प्रोफेशनल्स में काफ़ी स्किल्ड है, तो सर उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। मैं पहले पेंटिंग जैसे नॉर्मली करता था स्केचेस में, अब मैं एक्रेलिक कलर से डिफरेंट मीडियम्स को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ और काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। जैसे अब मैं रियलिस्टिक वर्क्स कर सकता हूँ और अच्छे से काफ़ी पेंटिंग्स को बना सकता हूँ। जो स्कीम चलाई है हमारी प्रीएम श्री के अंडर आर्ट वर्कशॉप, इसमें मेरी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। पहले मेरी पेंटिंग नॉर्मल होती है, अब उसमें रियलिज्म भी है और मैं अलग अलग शेड्स बना सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से। मुझे ब्रशेज़ इम्प्रूव हुए हैं जो मैं कैनवस पे यूज़ करती थी, और मेरी पेंटिंग्स भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पीएम श्री योजना से तो अभी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले हमारे पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं होता था। जो अगर कोई इतना फाइनेंशली सपोर्टेड ना हो तो कलर्स वगैरह इतना एक्सपेंसिव अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, और इतने टीचर्स जो कि हाईली स्किल होते हैं तो पहले नहीं होता था। बट आजकल जो है इनकी मदद से, जो पीएम श्री की वजह से हमारे को बहुत फायदा हो रहा है, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर और आगे आ पा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो के प्रधानाचार्य एसडी शर्मा ने बताया कि पीएम श्री के तहत स्कूल में बहुत सी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंटिंग, डांस, कंप्यूटर शिक्षण, वेब डिजाइनिंग, IoT और एक्सपोजर विजिट शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर छुपे स्किल को बाहर निकालना है। पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत जो गतिविधियां दी गई हैं, वो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए वहां पे बताई गई हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्किल में भी डेवलप करें और अपने अंदर के हुनर को निखारें। अगर कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उस हुनर को आने वाले समय में प्रयोग करके अपने जीवन को और अपने इस समाज को उन्नति की शिखर पर ले जा सकते हैं, और इन गतिविधियों से वो अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें बच्चे अपनी रुचि को बढ़ा सकें, और उन जैसे खेल के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से उन्हीं विषयों को अध्यापक जो है वो आगे ले जा रहे हैं, ताकि बच्चे उसमें ज़्यादा रुचि ले सकें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पीएम श्री योजना केंद्र सरकार के उन प्रतिभावान बच्चों की तलाश के लिए शुरू की गई है जो उचित मंच न मिल पाने के कारण अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते थे, लेकिन अब इस योजना से उनकी प्रतिभा भी निखर रही है और उन्हें अपनी इस प्रतिभा को दिखाने के लिए मंच भी मिल रहा है। DD News के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।